हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम स्टडी डॉट कॉम। तो करूर वैश्या बैंक KVB का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आ चुका है PO की पोस्ट के लिए। तो नॉर्मली 600 से 700 की तकरीबन पोस्ट होती हैं नॉर्मली, और इसमें सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करते हैं। और अगर आपको जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं और आपका SBI का एग्ज़ाम अगर क्लियर नहीं हुआ है PO का, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम है रमनदीप सिंह एंड मैं पिछले 5 साल से bankexamstudy.com पे काम कर रहा हूं। एंड अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो पहले सब्सक्राइब करें। तो एग्ज़ाम की डेट्स हैं, जो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन डेट बताता हूं। 9 तारीख से इसकी डेट से अप्लाई कर सकते थे, तो 19 जून इसकी लास्ट डेट है और जुलाई के महीने में इसका ऑनलाइन एग्जाम हो जाएगा। और इसका प्रोसेस बहुत फास्ट है। पहली बात, ये KVC करूर वैश्या बैंक एक सरकारी बैंक नहीं है, एक प्राइवेट बैंक है, लेकिन ऑन रूल्स है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब नहीं है एज ऑफ नाउ। प्रोबेशन ज़रूर होता है सरकारी बैंकों की तरह। दस एक चीज़ ये ध्यान से नोट करें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये गलत फहमी होती है कि सरकारी बैंक्स में काम नहीं करना पड़ता और ये करूर वैश्या या फेडरल में इसमें बहुत सारा काम करना पड़ता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तरक्की के चांस बहुत अच्छे होते हैं, प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, पे आउट भी अच्छा ही होता है। तो सबसे पहले बता दूं कि इसमें अगर आपको बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है जॉब की, तो अगले 2-2.5 महीनों में आप कह लीजिए इसका पूरा प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। पे आउट बहुत अच्छा है, तो ज़रूरत है तो प्लीज़ अप्लाई ज़रूर कीजिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं बता दूं, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। पहली बात तो पोस्ट ग्रेजुएट हूँ पहला पॉइंट। अगर पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है तो आप इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, इंजीनियरिंग या BSc एग्रीकल्चर, BA सिंपल। अगर आपने BA BCOM करके रखा हुआ है, ऐसा कोई डिग्री है आपके पास, या BSc नॉन मेडिकल की डिग्री है, तो आप एलिजिबल नहीं है। ये बहुत बुरी बात है मेरे हिसाब से, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स नॉर्मल कॉलेजेस में जाते हैं, जो नॉर्मल मतलब कि जो जिनके पास पैसे कम होते हैं, मैं भी BCOM हूँ, जिनके पास पढ़ाई के दौरान पैसे ज़्यादा नहीं होते, वो दूसरे शहरों में या अपने शहरों में इंजीनियरिंग करने नहीं जाते, क्योंकि इंजीनियरिंग की पढ़ाई थोड़ी महंगी है। तो लोग BA करते हैं, BCOM करते हैं आम कॉलेजेस में, जहां 8-10-15 हज़ार रुपये फ़ीस होती है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 60-70 हज़ार रुपये फ़ीस होती है। तो ये बहुत गलत एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये मैं होप करूँगा और इस पर मैं आवाज़ भी उठाने की कोशिश करूँगा कि ये बहुत गलत क्राइटेरिया है आपका। BE BTech बैंकिंग में है और ये इंजीनियर्स को बैंकिंग की ज़्यादा नॉलेज BCOM वालों से नहीं है। BCOM वाले अकाउंट्स मैनेजमेंट ये सब पढ़ते आ रहे हैं, BE और BTech वालों ने नहीं पढ़ा हुआ, तो ये गलत चीज़ है। जिन लोगों ने ज़्यादा फीस दे रखी है तो गलत चीज़ है ये, बट प्राइवेट बैंक है, कुछ भी कर सकते हैं। और 60% होने चाहिए ग्रेजुएशन में 60% का एग्रीगेट होना ज़रूरी है। और जो फाइनल सेमेस्टर में है पोस्ट ग्रेजुएशन के, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और कॉरेस्पॉन्डेंस की अगर आपको पास डिग्री है कोई ओपन यूनिवर्सिटी की या कॉरेस्पॉन्डेंस की, तो आप एलिजिबल नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ा एक पॉइंट निकल के आता है। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो आप ऑनलाइन ये वीडियो देख रहे हैं, आपके पास हो सकता है कि कॉरेस्पॉन्डेंस में आपने MBA करा हो, कॉरेस्पॉन्डेंस में आपने कोई BSc एग्री तो नहीं होती कॉरेस्पॉन्डेंस में, बहुत सारी डिग्रीज पोस्ट ग्रेजुएट की बहुत सारी डिग्रीज ओपन यूनिवर्सिटी से हो जाती हैं। यहाँ पे इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी IGNOU है, जो अगर आपने इससे पढ़ाई भी करी हुई है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। तो ये बहुत एक गलत चीज़ है मेरे हिसाब से कि जिस बंदे ने IGNOU से MBA कर रखा है या किसी बंदे ने कॉरेस्पॉन्डेंस से कुछ पढ़ाई कर रखी है, तो अगर वो बंदा एलिजिबल नहीं है तो आई थिंक ये बहुत गलत बात है। फ़ोन मैं अपना साइलेंट नहीं करा, अभी कर दिया। एंड अगर आपको CGPA मिलता है, कुछ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ हैं या BE BTech मोस्टली में CGPA मिलता है, परसेंटेज नहीं होता, अगर तो यूनिवर्सिटी कन्वर्ट करके देती है CGPA टू परसेंटेज तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको कन्वर्ट करके आपको अप्लाई करना है। तो ध्यान रखना है 60% से ज़्यादा है,
तो वहाँ पे आउट ऑफ 10 का CGPA होता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मैं खुश नहीं हूँ पर्सनली, मेरा ओपिनियन यही है कि ये बहुत गलत चीज़ है। जो सोसाइटी के नीचे तबके के लोग होते हैं, जो मेहनत करके पढ़ाई करते हैं पार्ट टाइम जॉब करके, मैं भी उन आप ही लोगों में से हूँ। अगर आप ये देख रहे हैं, आपको दुख है इस चीज़ का, हमारे जैसे लोग जो पार्ट टाइम जॉब्स करके अपना कुछ करते हैं, अच्छे लेवल तक जाते हैं, कुछ करने की इच्छा रखते हैं, उनको उनके लिए आप दरवाजे लगा देते हैं कि सॉरी यू आर नॉट अलाउड हेयर, तो गलत चीज़ है, ये बहुत गलत चीज़ है। तो चलिए, मैंने MBA कर रखा है एक रेगुलर यूनिवर्सिटी से, बट ये गलत चीज़ है क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स BA BCOM वाले ही होते हैं। एग्ज़ाम का चलिए मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ। यहाँ पे वही सिंपल जो एग्ज़ाम पैटर्न है, जो IBPS PO मेंस वगैरह का होता है, वही पैटर्न होता है। और एक और चीज़ बताता हूँ, ये एग्ज़ाम बहुत इजी होता है एज कम्पेयर टू आप कह लीजिए SBI PO, IBPS PO के कंपेरेटिवली बहुत इजी होता है। बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं। अगर आप बहुत दूर से फेल हो रहे हैं SBI PO वगैरह एग्ज़ाम्स में, तो ये वाला एग्ज़ाम आप आसानी से क्लियर करने की आप सोच सकते हैं कि कर सकते हैं। अगर आपने 4 5 6 महीने की तैयारी करी है तो आप आसानी से ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। वही रीजनिंग 50 मिनट का, नहीं 50 मिनट का नहीं, 50 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स वो सेम ही चल रहे हैं। 50 मार्क का रीजनिंग है, 50 का QT है, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस 40 40, और कंप्यूटर नॉलेज 20 मार्क्स। और ये ड्यूरेशन देख लीजिए, ये सेक्शनल टाइमिंग दिया हुआ है, वही जैसे नॉर्मल होता है SBI PO IBPS PO के एग्जाम्स में, 40 मिनट बाद रीजनिंग बंद हो जाएगा, 30 मिनट बाद इंग्लिश बंद हो जाएगा। तो सेम है, एग्ज़ाम का लेवल बहुत ठीक ठाक लेवल का होता है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। जनरल अवेयरनेस बहुत ईजी होती है। आपको एग्जाम्पल देता हूँ, लास्ट ईयर नागालैंड की कैपिटल पूछी गई थी, तो आप यहीं से हिसाब लगा सकते हैं कि अगर जनरल अवेयरनेस में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नागालैंड की कैपिटल क्या है, तो ऑब्वियसली एग्ज़ाम का लेवल उस SBI के लेवल का तो बिल्कुल भी नहीं है। इजी एग्ज़ाम है, और इसमें प्री और मेंस वाला सिस्टम नहीं है, सिंगल एग्ज़ाम है, वो एक ही एग्ज़ाम है, एक एग्ज़ाम होगा और उसके बाद सीधा इंटरव्यू होगा, कुछ प्री मेंस वाला सीन नहीं है, क्योंकि इतने स्टूडेंट्स ही नहीं है। मैक्सिमम आपके हिसाब से कितने स्टूडेंट अप्लाई करेंगे? मेरे हिसाब से इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम आप कह लीजिए 1 लाख से 1.5 लाख स्टूडेंट अप्लाई करने वाले हैं, और इसमें वैकेंसीज वही होंगी, 1000 1200 वैकेंसीज भी निकल के आ सकती हैं। तो इसमें ये एग्जाम को क्लियर करना आसान रहेगा अगर इतने स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। और इन एग्जाम्स की एक खास बात ये भी होती है, 1 1.5 लाख लोग अप्लाई भी करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम देने जाते नहीं, तो ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट निकल के आता है। और यहाँ पे 1 1.5 लाख में से जो लोग एग्जाम क्लियर भी कर लेते हैं तो वो इंटरव्यू देने नहीं जाते, जो इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं वो ज्वाइन ही करने नहीं जाते बहुत सारे लोग। तो इसमें अगर आपको जॉब की सच में बहुत ज़रूरत है, अगर आप किसी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं और आप बहुत परेशान हैं उससे, तो इंस्टेड कि आप अगर ऑलरेडी किसी अच्छी मतलब इससे बुरी जॉब में है, ये बुरी जॉब नहीं है, ये अच्छी जॉब है, अगर आप उसे सेटिस्फाइड नहीं है तो गो फॉर इट। तो टेस्ट है जो हिंदी में नहीं होगा, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ये जो अपर सोसाइटी वाली चीज़ हो रही है कि जैसे बैरियर्स होते हैं कि हिंदी में एग्ज़ाम नहीं लेंगे जी हम, ये सिर्फ इंग्लिश में एग्ज़ाम लेंगे, इनका क्वालिफिकेशन भी, एडुकेशन क्वालिफिकेशन भी थोड़ा सा इन्होंने हट के रखा है, तो ये भी एक बुरी चीज़ है कि हिंदी में एग्ज़ाम नहीं होगा, सिर्फ इंग्लिश में होगा। सेक्शनल टाइमिंग है और नेगेटिव मार्किंग 0.25 है, सही मार्क का सही कुछ आंसर का 1 नंबर, गलत का 0.25 काट लेंगे। तो चलिए, पे स्केल बताना बहुत ज़रूरी है। बेसिक पे जो पहले 6 महीने मिलेगी प्रोबेशन, प्रोबेशन के टाइम पे, ये सरकारी बैंकों की तरह पैसे नहीं देते, ये प्रोबेशन के टाइम पे 23,700 का बेसिक पे है। तो इसका जो पे स्केल है ऑलमोस्ट आप कह लीजिए बिल्कुल बराबर है जो आपको नॉर्मल बैंक्स में मिलता है, सरकारी बैंक्स में मिलता है, वही 35,000 अ मंथ, जो आप कह लीजिए 35,000 अ मंथ आपको कह लीजिए कैश इन हैंड मिलेगा, राइट। बेसिक पे इतना है, इतना मिलना चाहिए, 35 to 36 मिलना चाहिए। तो CTC बाकी इनके खुद के बहुत कुछ काटते वाटते रहते हैं, बाकी सरकारी बैंक्स में भी काटते हैं, इसमें भी शायद काट लें। तो CTC 5.5 लाख का बनता है, बहुत एक अच्छा अमाउंट है मेरे हिसाब से। अगर आपका करंट CTC 2 2.5 लाख रुपए तक का है और आप एक सिर्फ एक एग्ज़ाम दे के आप बैंकिंग सेक्टर में कम से कम एंटर तो कर रहे हैं ना, कल कल को आप दोबारा से जाके SBI IBPS का पेपर देते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला इंक्रीमेंट जो है 18 महीने के बाद होगा, प्रोबेशन पीरियड 12 महीने का है, 12 महीने बाद आप ऑनरोल हो जाओगे, परमानेंट हो जाओगे।
तो डेट्स आपको बता चुका हूँ, 19 तारीख से लेके 9 तारीख से लेके 19 तारीख तक है। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 600 रुपये है, जस्ट अ सेकेंड। एंड कुछ रिजर्वेशन नहीं है, कोई SC ST कोटा, कुछ OBC कोटा नहीं है, सबको फीस देनी पड़ेगी और कोई अलग से लिस्ट नहीं बनेगी, लिस्ट एक ही बनेगी वो अनरिजर्व कैंडिडेट्स की, SC ST वाले भी, क्योंकि सरकारी नहीं है तो कोई कोटा नहीं है। और यहाँ पे एक और मैं पॉइंट बताना भूल गया एलिजिबिलिटी का, जो एज क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का, एक पॉइंट मैंने बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे मिस कर दिया है, वो मैं बता दूँ आपको। एलिजिबिलिटी मैक्सिमम जो एज है वो 28 साल की हो सकती है, 28 ईयर्स, मतलब कि जो कट ऑफ डेट है वो 31 मई 2000 1989 से पहले के बाद में आपका जो DOB अगर इसके बाद है तो आप एलिजिबल हैं। आफ्टर 31 मई 1989 अगर आपका DOB है तो आप एलिजिबल हैं। 600 रुपये फीस है और आई थिंक इससे आपका करियर बन सकता है। मैक्सिमम आप कह लीजिए 1 लाख एप्लीकेशन आने वाली हैं, कुछ ज़्यादा 1-1.5 लाख एप्लीकेशन आएंगी, इससे ज़्यादा नहीं आएंगी, इससे भी कम ही आएंगी। जो ये मैं पॉजिटिव नोट पे कह रहा हूँ, 1 लाख एप्लीकेशंस बहुत कम आने वाली हैं एंड बहुत सारे लोग ये जॉब छोड़ते हैं या एग्ज़ाम देने नहीं जाते हैं, बहुत आप कह लीजिए डाइल्यूट हो जाता है ये सिलेक्शन के टाइम तक, बहुत सारे स्टूडेंट्स निकल जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं। तो अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में 10-20 हज़ार की जॉब कर रहे हैं और आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, एंड इवन अगर आप अपने करंट जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हैं या आपका कोई एग्ज़ाम काफ़ी टाइम से क्लियर नहीं हो रहा है, 3-4 साल से क्लियर नहीं हो रहा है, एंड आपका करियर बिल्कुल खराब हो, आपको लग रहा है कि आपका करियर खराब हो रहा है, कि आप 27-28 साल के हो चुके हैं और कुछ भी नहीं बन रहा है, कोई जॉब नहीं मिल रहा है, ये वो, बहुत मोटिवेशन लेवल आप अगर आपका लो चल रहा है, मैंने कई स्टूडेंट्स का देखा है क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट से मिलता भी हूँ, तो बहुत कई जो स्टूडेंट्स 1-1.5-2 साल फेल हो जाते हैं तो उनका मोटिवेशन लेवल बहुत खराब हो जाता है, घर पे बैठे रहते हैं, प्राइवेट जॉब करने जाते हैं तो कुछ अच्छा मिलता नहीं है बिकॉज कुछ स्किल नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं आपको कहूँगा कि प्लीज़ ये एग्ज़ाम दे लें, अच्छा एग्ज़ाम है। तो स्टडी मटेरियल की यहाँ पे मैं आपको बात करूँ कि एग्ज़ाम का पैटर्न तो मैंने बता दिया, जो स्मार्ट प्रेप किट है हमारी, स्टडी मटेरियल की बात करूं, इसके लिए आप स्मार्ट प्रेप किट ले लें, बहुत स्मार्ट प्रेप किट, इस एग्जाम के लिए स्मार्ट प्रेप किट मोर देन सफिशियंट है। जनरल अवेयरनेस के लिए पिछले 6 मंथ्स का आप कैप्सूल पढ़ लें, मेरा GK का कैप्सूल पढ़ लें, GK डाइजेस्ट जो मेरी एंड्रॉयड एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल कर लें, जनरल अवेयरनेस के लिए मोर देन सफिशियंट है। GK डाइजेस्ट जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल कर लें, उसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स का कैप्सूल पढ़ लें प्लस GK डाइजेस्ट को फॉलो करें रेगुलरली, तो जनरल अवेयरनेस आपका यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। बाकी ये बाकी के सिलेबस के लिए स्मार्ट प्रेप किट यूज़ कर लें, एंड आप ये IBPS का मेगा प्रिपरेशन जो हमारा कोर्स है, IBPS PU का मेगा प्रिपरेशन कोर्स है, उसको फॉलो करें। यूट्यूब पे मैं वीडियोस डाल रहा हूँ रोज़ाना, एंड बाकी अगर आप IBPS PU मेगा प्रिपरेशन कोर्स को अगर ज्वाइन करते हैं तो आप IBPS PU का भी एग्ज़ाम दें। अगर आप ये एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यहाँ पे लाइफ ख़त्म ना करें अपनी, ये आपका एक अपना कह लीजिए ऑप्शंस बना के चलें। IBPS PU तो आपने देना ही देना है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं अज्यूम करता हूँ कि आप IBPS PU का एग्ज़ाम देंगे, लेकिन मेक इट एज एन ऑप्शन, ये एक ऑप्शन है आपके लिए, और इसका और IBPS PU का सिलेबस बिल्कुल सेम है। एंड इफ पॉसिबल तो IBPS PU का मेगा प्रिपरेशन कोर्स है, IBPS PU मेगा प्रेप कोर्स जो है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, इसमें इसमें प्लीज एनरोल करें। चलिए बस आज के लिए थोड़ा सा इतना ही रखूँगा मैं, क्योंकि बाकी इन सब पे क्या कहते हैं पूरा इसका स्टडी और एग्ज़ाम पैटर्न, पूरा स्टडी प्लान जो है वो मैं अगली वीडियो में बिल्कुल शेयर करूँगा। आज के लिए बस इतना ही, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, थैंक यू।